फिश। क्वेश्चन ओके नंबर क्वेश्चन 4। नंबर 4 कहाँ से? बस वो इंडेक्स जो बीच में होता है ना। अच्छा इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 4। तो दैट इज सर्कुलर आर्क वाला है ना? हाँ सर, ओके उसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 1/a - 1/b क्यों, बाय हाँ बी माइनस। हाँ हाँ कर लेते। सो सवाल क्या है, हमारे पास ये शेप दे रखा है, ओके थोड़ा सा गंदा बन रहा है, वो क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल ही बनाना है। ओके परफेक्ट, ये सेमी सर्कल बन गया। ये दोनों सर्कल का सेंटर जो है एक ही है, इनर सर्कल की जो रेडियस है वो ए दे रखी है और आउटर सर्कल की रेडियस बी दे रखी है, और करंट का डायरेक्शन ऐसा दे रखा है, करंट ऐसे जा रहा है, फिर इस वायर में से जा रहा है, फिर बाहर के वायर में से जा रहा है, यहाँ पे अंदर जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ये ए बी सी एंड डी, तो एक तो ये वायर है ए बी वायर, उसकी वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक सी डी वायर की वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक जो हमारे पास ये क्या बोलते हैं बी सी वाला आर्क है सर्कल का, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, और दूसरा जो है जो आउटसाइड आर्क है डी ए वाला, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। अब ए बी जो है, ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो तो उस लाइन के अलोंग ही है, और मैंने पहले ही बोला था अगर कोई वायर है जिसमें वायर करंट फ्लो हो रहा है तो एनी पॉइंट अलोंग द लाइन मैग्नेटिक फील्ड बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस वायर की वजह से अगर मैं बी वन बोलू तो ये बी वन तो जीरो होगा। सिमिलरली जो वायर सी डी है उसकी वजह से मैं अगर बी टू बोलू तो बी टू भी जीरो होगा। अब हम बात करते हैं बी थ्री की, ये अंदर वाला छोटा वाला आर्क है, छोटा वाला सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस ए है। तो बी ड्यू टू एन आर्क का फॉर्मूला क्या था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई। हाँ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है, सॉरी सेमी सर्कल नहीं, आर्क का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी आई अल्फा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर एंड थीटा, राइट। तो ये यस सेमी सर्कल है, ये वाला अंदर वाला सेमी सर्कल है, तो उसकी वजह से बी थ्री क्या हो जाएगा, इसकी वजह से बी थ्री क्या हो जाएगा, बी थ्री इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय ए, और थीटा की जगह पाई पुट कर देंगे। सो दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 ए, राइट, म्यू नॉट आई अपॉन 4 ए हो जाएगा। यस अब इसमें जो करंट है वो जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो इफ यू कर्ल योर फिंगर्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन योर थंब विल पॉइंट इनसाइड, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड बी थ्री इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये बाहर वाले की वजह से बी फोर निकालेंगे, सो बी फोर विल बी सेम एज म्यू नॉट आई अपॉन 4 बी, लेकिन इस बार जो है फिंगर्स जो है करंट के डायरेक्शन में अगर कर्ल करेंगे इट्स गोइंग क्लॉकवाइज, सो द थंब विल बी कमिंग आउट, सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड हो जाएगा, राइट। यस तो बी थ्री इज गोइंग इन एंड बी फोर इज कमिंग आउट। अब ए जो है रेडियस वो छोटा है, बी बड़ा है, तो बी थ्री का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और बी फोर का मैग्नीट्यूड कम होगा। सो वी कैन से टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ फैक्टर एडिशन, बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री प्लस बी फोर वैक्टर टर्म्स में, राइट। जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो बी वन और बी टू का मैग्नीट्यूड तो जीरो है, बी थ्री इज गोइंग इन साइड एंड बी फोर इज कमिंग आउटसाइड, सो इट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 ए माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 बी विद द डायरेक्शन गोइंग इन साइड, राइट। क्योंकि मैंने इनसाइड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, इनसाइड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, इनफैक्ट अगर तुम देखोगे तो मैग्नीट्यूड में भी 1/a - 1/b पॉजिटिव आएगा। सो दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 1/a - 1/b इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, ओके। यस
अगर हम गलती से आउटसाइड डायरेक्शन को भी पॉजिटिव ले लेते हैं, आउटसाइड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो बी क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन फोर वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए आउटसाइड, ये हो जाएगा। लेकिन हमारे को मालूम है कि वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए नेगेटिव होगा, सो दिस विल बी नेगेटिव आउटसाइड डायरेक्शन। नेगेटिव आउटसाइड डायरेक्शन मीन्स इनसाइड हो गया, राइट? यस मैम, बट एक्चुअली तो एग्जाम में हमेशा आंसर यही लिखा जाएगा। मैं तो खाली बोल रहा हूँ, अगर गलती से तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हारे पास उधर साइन में साइन की मिस्टेक, प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुमने डायरेक्शन गलत चूज किया, तुम उसको रिवर्स वापस से कर सकते, कहने का मतलब ये। अदरवाइज दिस इज हाउ वी डू इट, क्लियर? यस ओके नेक्स्ट, सर, एक्सरसाइज क्वेश्चन 6 एंड 7, मतलब इन टेक्स्ट ही, नहीं एक्सरसाइज लेवल 1। सो आई शुड गो डाउन ना। ओके सो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हो गए क्या शीट के? थर्ड हाँ सर, सर थर्ड वाला नहीं हुआ। वाला नहीं है तो पूरा लाइन से चलो ना, आधे अधूरे क्यों? तो डायमेंशन एनालिसिस का सवाल है ना। हाँ सर, वही मैं एक बार वो रिवाइज करके फिर आपका ओके डायमेंशन क्वेश्चन। एनालिसिस रिवाइज करो, फिर नहीं होता तो डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि एक बार हो गया तो ठीक है, फिर बाद में वापस से करने की जरूरत नहीं है। क्या दे रखा है? टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स आर एट अ डिस्टेंस 2D अपार्ट, दे कैरी द स्टेडी इक्वल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द पेपर एज शोन इन द फिगर। तो अपने पास दो वायर है जिनमें करंट आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड आ रहा है, तो अपन ने दो वायर को ऐसे दिखा दिया, ये दो वायर है अपने पास, ओके, जिनमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है और इनके बीच का डिस्टेंस 2D है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ले लो 2D। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर इज 2D। द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग द लाइन एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू, तो एक लाइन जो बना देते हैं अपन दोनों वायर्स को कनेक्ट करने वाली, ये लाइन है एक्स एक्स डैश, और इधर मैग्नेटिक फील्ड बी कैसे वेरी करेगा, ये सवाल पूछ रहा है। ओके सो करंट इज कमिंग आउटसाइड, मेरे को बात तुम तो, अगर मैं अगर अपने थंब को आउटसाइड पॉइंट करूं तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन बनेगा ना वो कैसा होगा? सर्कुलर होगा। यस तो मैं एक दो सर्कुलर सर्कल्स बना देता हूँ, जैसे ये वायर वन है जिसके अराउंड मैंने ये सर्कल बनाया, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा इस वायर के अराउंड, इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, एंड करंट इज कमिंग आउटसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इफ यू पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन योर फिंगर्स विल कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा अगर वायर 2 एब्सेंट होता तो, राइट? अब वायर 2 भी यस प्रेजेंट है तो अपन वायर 2 के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं। ये ग्रीन कलर ब्लैक कलर के ऊपर दिख रहा है क्या? हाँ सर, सो अगर मैं वायर 2 के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूँ ऐसे सर्कल्स, तो ऐसे बनेंगे, समथिंग लाइक दिस। ओके नाउ सी हियर कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी वजह से भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है। तो ये देखो, अगर इस सर्कल को थोड़ा सा मिलाने की कोशिश करूं मैं दोनों सर्कल्स को, ये ग्रीन वाला जो सर्कल है हल्का सा इधर लेते हैं अपन इसको, और ये वाला सर्कल इसको हल्का सा इधर लेते हैं, यू सी कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एन इनफाइनाइट वायर क्या होता है? यू नॉट आई बाय 4 पाई ए कॉस थीटा इनफाइनाइट टू वायर, माइनस इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर के लिए पूछ रहा हूँ। बी ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर, ये इनफाइनाइट वायर है, तो एट अ डिस्टेंस डी क्या होता है?
म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, राइट। तो अगर एग्जैक्टली सेंटर पे आ जाए अपन, तो इसकी वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, इसकी वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, वो क्या हो जाएगा, जीरो। दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो अगर अपन एक्स एक्स डैश पे ये लाइन बनाते हैं ग्राफ के लिए, विजुअलाइज कर पा रही हो, क्योंकि मेरा वीडियो नहीं चल रहा है तो इसीलिए हाँ थोड़ी। अगर अपन एक्स एक्स डैश ये लाइन बना ले, ठीक है, और ये अपना ओरिजिन ले ले, और ये पॉइंट मार्क कर दे, ये वायर वन और ये वायर टू, जो कि 2D डिस्टेंस पे अपार्ट है, राइट। ये दोनों वायर किस डिस्टेंस पे है, 2D डिस्टेंस पे है, तो यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो गया। ओके, अब अपन जैसे इस वायर के पास आएंगे, वायर वन के पास आते, इसको वायर वन बोल देते हैं, तो इस वायर वन के पास आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वायर वन की वजह से इंक्रीज होता जाएगा और वायर टू की वजह से डिक्रीज होता जाएगा, राइट। वायर वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता जाएगा और वायर टू की वजह से डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जैसे इस पॉइंट पे आ जाओ, मैं एक सर्कल और बनाता हूं और तुम्हारे को बताने की कोशिश करता हूं। सपोज हम इस पॉइंट पे आ गए, है ना, ये बड़ा वाला ऑरेंज सर्कल बनाया है, तो छोटे वाले ग्रीन सर्कल के साथ क्या बोलते हैं, टच कर रहा है इस पॉइंट पे, देखो ये वाला पॉइंट, राइट, दिख रहा है, मैंने ब्राउन कलर से डार्क किया है। तो यहाँ हाँ पे जो ग्रीन कलर वाला जो सर्कल है, ये तो वायर वन के बिल्कुल पास में है, तो इस पॉइंट पे तो मैग्नेट फील्ड बी वन तो ज्यादा होगा इस डायरेक्शन में, और बी टू जो है मैग्नेटिक फील्ड वो कम होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी एक्चुअली इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन समवेयर हियर। जैसे जैसे अपन वायर वन के पास आते जाएंगे तो डी की वैल्यू जीरो को टेंड करती जाएगी, तो वायर वन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंफिनिटी को जाएगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, राइट, मैग्नीट्यूड में इंफिनिटी को टेंड करेगा क्योंकि वो डी डी टेंडिंग टू जीरो है। So, जीरो से लेके अगर जैसे जैसे अपन यहाँ पे आएंगे वायर वन के करीब, तो अगर अपन ने उस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। सो इट विल गो समथिंग लाइक दिस, जैसे जैसे वायर वन के करीब आएंगे, है ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा। और जब अपन इसके करीब आने की कोशिश करेंगे, वायर टू के करीब आने की कोशिश करेंगे, वेन वी अप्रोच हियर इन द टूवर्ड्स वायर टू सेंटर से, सेंटर से वायर टू की तरफ आने की कोशिश करेंगे, अगेन मैग्नेटिक फील्ड इंफिनिटी को टच करेगा क्योंकि अब इस केस में इस वायर के बिल्कुल पास आ रहे हो, लेकिन इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, राइट। अब यस वापस इंफिनिटी को जाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। विजुअलाइज हो रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, विजुअलाइज नहीं हो रहा है, क्लॉक नहीं क्लॉकवाइज के बिल्कुल समझ। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, उस पॉइंट पे टेंजेंट इज द डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे अगर अपन देखें, ये वाला जो ग्राउंड पॉइंट मैंने बनाया अभी जिसको व्हाइट कर रहा हूं, तो ग्रीन सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैं कलर ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन सर्कल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ऊपर की तरफ है, टेंजेंशियली मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, और जो ऑरेंज कलर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो भी टेंजेंशियल ही है लेकिन वो डाउनवर्ड है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऊपर की तरफ है। और अगर अपन कोई पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, इस यहाँ पे वायर टू के पास में, तो जो ऑरेंज सर्कल है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, और जो ग्रीन सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है
वो ऊपर की तरफ है लेकिन मैग्नीट्यूड में कम है। तुम्हें दिख रहा है ना मैं कहाँ पे एरो बना रहा हूँ? तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो मैग्नेट फील्ड है नीचे की तरफ होगा। सी मैग्नेटिक फील्ड जब मैं सर्कुलर बनाता हूँ तो एवरी पॉइंट पे जो डायरेक्शन होता है वो सर्कल का टेंजेंट होता है। किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा ना, विच इज ऑलवेज टेंजेंट टू दैट सर्कल। आ गया समझ में? हाँ सर, यस ऐसा बनेगा। बट एज सून एज वी कम टू द लेफ्ट ऑफ द वायर वन या टू द राइट ऑफ द वायर टू, तो सिनेरियो क्या हो जाएगा? तो सिनेरियो अगर मैं किसी, जैसे ही मैं ये वायर वन को पॉइंट को क्रॉस करता हूँ, इस पॉइंट पे आ गया सपोज, या इस पॉइंट पे आ गया, ये वाला पॉइंट दे, इस पॉइंट पे आ गया, ओके इस पॉइंट पे आ गया, तो जो ग्रीन सर्कल है अगर वो बनाता हूं मैं, कहाँ गया? जो मैंने ग्रीन सर्कल बनाया है, ये वायर वन की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, राइट? यस तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन बोल सकते हैं इस पॉइंट पे जहां पे मैंने क्रॉस बनाया है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा टेंजेंशियली। ऐसा ओके। और जब मैं ऑरेंज सर्कल बनाऊंगा, मतलब वायर टू की जब मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा, वो भी एक्चुअली टेंजेंशियली नीचे की तरफ ही आ रहा है अगर देखोगी तो, वो भी अब टेंजेंशियली नीचे की तरफ ही आ रहा है, हालांकि उसका डिस्टेंस दूर है तो उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। हाँ तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है दोनों सर्कल का जो मैग्नेटिक फील्ड है सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन नीचे की तरफ। अपने कौन सा साइड पॉजिटिव लिया है? ऊपर वाला साइड पॉजिटिव लिया है, नीचे वाला साइड नेगेटिव लिया। और जैसे जैसे दूर होता जाएगा, अपन जैसे जैसे इस वायर पे दूर होते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड जीरो को अप्रोच करता जाएगा। सो एज यू गो फार तो मैग्नेटिक फील्ड बिकम जीरो, लेकिन जैसे जैसे पास आएंगे इट विल बिकम इंक्रीज और कुछ ऐसा बनेगा। उसी तरह से जब वायर टू के राइट में आएंगे अपन, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में जाएगा ऊपर की तरफ टेंजेंशियली, इस पॉइंट पे जहां पे मैं बना रहा हूं, तो अगेन इट विल बी पॉजिटिव। नाउ जैसे जैसे जूल आगे जीरो हो जाएगा। सो दिस शुड बी द ग्राफ। सो आंसर ए दिख रहा है मेरे को, सिक्स का। सर बी होगा, एक मिनट, हाँ सॉरी बी दिख रहा है ना। तो ये साइन तो अपने चूज करना पड़ेगा। सो व्हाट वी डू इज, वी अपना कन्वेंशन होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव। बट जब तुम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोलती हो किसी पॉइंट पे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन तो उस सर्कल के टेंजेंट होता है ना। देयर टू सर्कल्स एट दैट पॉइंट, तो टेंजेंट तो कॉमन आ जाएगा सर्कल का। एक सर्कल का एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरे सर्कल का क्लॉकवाइज है सपोज, तो एक का टेंजेंट ऊपर की तरफ होगा, एक का टेंजेंट नीचे की तरफ होगा सपोज। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसके उसकी लेंथ ज्यादा होगी, तो उसके हिसाब से या तो ऊपर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड या नीचे हो जाएगा। और जब अपन दोनों दोनों वायर के या तो राइट में आ जाते हैं या दोनों वायर के लेफ्ट में आ जाते हैं, तो दोनों वायर के जैसे मैग्नेटिक फील्ड के जो सर्कल के टेंजेंट्स है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऐड हो रहा है या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। एंड हम जो एक्स एक्सिस के ऊपर का डायरेक्शन होता है यानी प्लस वाई डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे के डायरेक्शन को माइनस वाई डायरेक्शन को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो ये ग्राफ बन जाता है। इज दिस क्लियर? यस समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर 7th वाले का डायरेक्शन मुझे। सेम करंट आई इज फ्लोइंग इन थ्री इंफाइनिटली लॉन्ग वायर्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन. द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 0,0, -a वुड बी. तो ये क्या बोल रहा है, अपने पास करंट आई फ्लो हो रहा है तीन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर्स पे जो कि अलोंग द पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन. ओके, तो सबसे पहले तो तुम्हारे को 3D विजुअलाइजेशन करना होगा. सो 3D विजुअलाइज करने के लिए क्या करते हैं, अपने क्यूब बना लेते हैं. सबसे पहले तो देखते हैं क्यूब कैसा दिखता है. ओके, ऐसा क्यूब बना दिया हमने. वो बोल रहा है कि अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस एंड अलोंग द जेड एक्सिस प्लस डायरेक्शन में करंट आई जा रहा है. सो अगर ये अपना एक्स एक्सिस है, अगर ये अपना वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, इधर भी करंट आई जा रहा है, इधर भी करंट आई जा रहा है और इधर भी करंट आई जा रहा है, तीनों डायरेक्शन में करंट आई जा रहा है. इट्स सेइंग 0,0, यानी एक्स एंड वाई 0 है. ये वाई एक्सिस, ऊपर वाली वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस. ये नीचे वाला जो है ना, मैंने गलत लिख लिया है, ये जेड एक्सिस. अब 0,0 यानी कि 0,0,-a, यानी कि -a वाला जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा, पर वो जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है. तो जेड एक्सिस पे जो लाई कर रहा है, तो जो करंट वायर जेड वायर जेड अलोंग द जेड एक्सिस जा रहा है, उसके जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन द जेड एक्सिस, वो तो 0 हो जाएगा, राइट? यस। अब तुम इसको विजुअलाइज करो कि जो वायर है, इनफाइनाइट वायर वाई एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला जो इनफाइनाइट वायर है और जो पॉइंट है वो जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है. पॉइंट है जो जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है, जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है. कैन यू इमेजिन? यस 90 डिग्री का। या एक काम करो, जो वायर एक्स एक्सिस पे करंट ले रहा है और उस इनफाइनाइट वायर है ना, इनफाइनाइट वायर है ना, थ्री इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, तो इसका मतलब क्या है, करंट ऐसे भी जा रहा है, यू भी जा रहा है, राइट, और यू भी जा रहा है. ओके, तो और पॉइंट क्या दे रखा अपने को, -a. पॉइंट क्या दे रखा अपने को, माइनस ए. फाइन तो यस। सबसे पहले ये देख लो कि सपोज कर लो कि ये मेरा वायर है और ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी जेड एक्सिस है, तो अपना, और ये वायर यहां से भी जा रहा है, करंट तो ऐसे जा रहा है, राइट, इन दिस डायरेक्शन, और ये पॉइंट है माइनस सेवन. तो पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, अपना जो फिंगर कर्व होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द, अगर अपन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से व्यू करेंगे तो अपने को अपने फिंगर्स जो है वो एक्स एक्सिस से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न होते हुए दिखेंगे. हाँ, हाँ सर, हाँ दिखेंगे सर। ना. अपन ने अभी जेड एक्सिस को प्लेन में लिया है, तो वाई एक्सिस जो एक्चुअली प्लेन के बाहर आ रहा है, वाई एक्सिस एक्चुअली प्लेन के बाहर आ रहा है, राइट, थ्री डी यस सर। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स आते हैं ना, हाँ हाँ सर। तो वाई एक्सिस क्या हो रहा है, प्लेन के बाहर आ रहा है. और अगर अपन थंब को एक्स एक्सिस के अलोंग रखेंगे तो अपने जो फिंगर्स कर्ल होंगे वो सर्कल बनाएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग. तो यस जो पॉइंट सर। ए है, सॉरी, जो पॉइंट माइनस है, उस पॉइंट पे जो अपनी फिंगर्स है वो एक्चुअली बाहर की तरफ आ रही है, यस सर। फिंगर्स एक्चुअली बाहर की तरफ आ रही है, बाहर। तो किस डायरेक्शन में आ रहा है वो, वाई एक्सिस के हिसाब से किस डायरेक्शन में आ रहा है, अपनी वाई एक्सिस भी बाहर की तरफ है और फिंगर्स भी बाहर की तरफ है, तो वाई एक्सिस के हिसाब से जो बी है
वो प्लस जे डायरेक्शन में, और इनफाइनाइट वाई की वजह से करंट क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2D, सो म्यू नॉट आई अपॉन 2A, फाई भी आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है, हाँ राइट। तो उसी तरह से अगर अपन वाई एक्सिस का वायर ले ले और ये मेरा जेड का पॉजिटिव डायरेक्शन ले लूंगा, अगर ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड का पॉजिटिव डायरेक्शन, तो अब इस करंट इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो माइ पॉइंट क्या है, माइनस है यहाँ पे, यहाँ पे को मैं एक मैग्नेटिक फील्ड भी दिया, क्लियर। नासी तो कर्ल योर फिंगर्स, पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, पुट योर फिंग कर्ल योर फिंगर्स ओ हाँ, पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, देन द फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, तो अगर अपन ने थंब को वाई एक्सिस के डायरेक्शन में रखा है तो माइनस ए पे अपने फिंगर्स किधर जा रहे हैं, इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड जा रहे हैं, अच्छा इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड जा रहे हैं, और एक्स एक्सिस किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस किस डायरेक्शन में, अगर वाई जेड को ऐसे बनाता हूं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस किस डायरेक्शन में, आउटसाइड, अच्छा और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है, इनसाइड। तो वापस से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो वही होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, ये मैग्नेटिक फील्ड माइनस आई डायरेक्शन में जाना चाहिए मेरे ख्याल से, तो आंसर शायद कुछ और दे रखा है, हाँ आंसर भी यही दे रखा है, सो माइनस आई के, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए प्लस जे कैप डायरेक्शन में, एंड माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए माइनस आई कैप डायरेक्शन में, सो द आंसर विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए जे कैप माइनस आई कैप, आया सवाल में। तो बेसिकली जब वाई पे फील्ड निकालनी है तो वाई और जेड का प्लेन लो, और जब एक्स पे निकालनी है तो एक्स जेड का प्लेन लो। वाई पे फील नहीं निकली, एक्स पे फील नहीं निकली, फील्ड तो हमारे को जेड इज माइनस ए पे निकल, हाँ मतलब वाई वायर जब एक्स के एक्सिस पे फ्लो हो रहा है, वायर जब जेड एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे फ्लो हो रहा है, एक्स एक्सिस पे फ्लो हो रहा है, तब हम एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन को कंसीडर करें, इसीलिए मैं तुम्हारे को 11th क्लास में बार बार बोलता था, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर और 3D विजुअलाइजेशन को बहुत अच्छे से करो, 11th 12th क्लास में बहुत काम आएगा, नाउ सी हियर। और दूसरा चीज मैं बोलता था, रिमेम्बर एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वी गो फ्रॉम एक्स टू वाई, वाई टू जेड एंड जेड टू एक्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी मैंने तुम्हारे को 12th 11th क्लास में बार बार समझाया था, और हर बार समझाता हूँ, सब बच्चों को समझाता हूँ, सो व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, तो जैसे अभी मैंने एक्स वाई एक्स जेड प्लेन बनाया और वाई जेड प्लेन बनाया, तो जब मैं एक्स जेड प्लेन बना रहा हूँ तो मेरे को मालूम होना चाहिए मेरा वाई एक्सिस बाहर की तरफ है अंदर की तरफ है, और जब मैं वाई जेड प्लेन बनाता हूँ तो मेरे को मालूम होना चाहिए मेरा एक्स एक्सिस बाहर की तरफ है अंदर की तरफ है, अगर वो डायरेक्शन सही नहीं लोगी तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे भी गलत आ सकता है, आई कैप की माइनस आई कैप की जगह प्लस आई कैप आ जाएगा, या प्लस जे कैप की जगह माइनस जे कैप आ जाएगा, यानी वो तुमने जे कैप माइनस आई कैप लिखा है वो या तो जे कैप प्लस आई कैप हो जाएगा या आई कैप माइनस जे कैप हो जाएगा, अगर तुमने एक्स वाई जेड के ओरिएंटेशन को सही नहीं लिया। जनरली बच्चे क्या होता है कि सिर्फ इसी से फेमिलियर होते हैं कि इफ एक्स एक्सिस इज इन दिस डायरेक्शन देन वाई एक्सिस इज इन दिस डायरेक्शन एंड द जेड एक्सिस इज ऑलवेज कमिंग आउट, हम एक्स वाई को हमेशा प्लेन में लेते हैं और जेड को हमेशा आउटसाइड ले लेते हैं, अब अगर हम एक्स जेड को प्लेन में लेते हैं, रिमेंबर अगर मैं एक्स जेड को प्लेन में ले रहा हूं, अगर मैं एक्स को इस डायरेक्शन में बनाऊंगा तो मैं जेड को किस डायरेक्शन में बना रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाई किस डायरेक्शन में जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसमें
तो उसी से हमारा क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस का डायरेक्शन डिसाइड होगा, और उसी से हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलेगा कि वो प्लस वाई एक्सिस पे या माइनस माइनस वाई एक्सिस पे। एंड सी हियर, सवाल में क्या हो रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई है, जे कैप माइनस ए कैप आ रहा है, बिकॉज द पोजिशन ऑफ द जेड एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज डिफरेंट। कैसे कि पोजिशन ऑफ द जेड एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है, एंड पोजिशन ऑफ द जेड एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है, इसीलिए यहाँ पे ये माइनस साइन आ गया, क्योंकि रिलेटिव पोजिशनिंग ऑफ द जेड एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज डिफरेंट। अगर मेरे को एक्स से जेड जाना है तो मैं ऐसे जाऊंगा जो कि अलग डायरेक्शन है एंगल का, और अगर मेरे को वाई से जेड जाना है तो मैं दूसरे डायरेक्शन में ट्रेवल करूँ अलोंग द सर्कल। समझ में आ रहा है? हाँ अगर अगर हम अज्यूम कर लेते हैं यार सिमेट्रिक है, पूरा पॉइंट सिमेट्रिक है एक्स और वाई के, तो हमारा आंसर एक्चुअली बी होना चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई है आई के प्लस जे के होना चाहिए, लेकिन हमारा पॉइंट एक्चुअली सिमेट्रिक नहीं है। अगर सर्कुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो, जेड से अगर एक्स जाते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, लेकिन जेड से हम वाई वाई जाते हैं तो हम क्लॉकवाइज जाते हैं। So the angles are positive and negative when you are going from z to x and z to y. Okay? और वही इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है बीच। अब देखो चॉइस में सब है, j माइनस आई भी है, आई माइनस जे भी और आई प्लस जे भी है। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि हम हल्की सी गलती करेंगे साइन की और माइनस वन आंसर पे लैंड अप करेंगे। एंड खास करके जेई एडवांस में होगी ये गलती, जेई मेंस में तो अगर कोई ऐसा सवाल आएगा तो सिर्फ एक सवाल आएगा और वो ठीक है छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेई एडवांस में हर एक सवाल ऐसा ही होता है, हर एक सवाल ऐसा ही होता है कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, एंड आफ्टर डूइंग एवरीथिंग अगर साइन में गलती कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो व्हाट आई सजेस्ट यू इज अगेन, जो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट के वीडियोस है, या अगर नहीं मालूम नहीं आते हैं तो वापस बोलो, वापस से रिवाइज कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को निकालना। वो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम वो क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए करते हैं वेक्टर में तो हाथ बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन जब सवालों में अप्लाई करना होता है ना तभी दिक्कत आती है। सो इस सवाल को अब तुम वापस से खुद विजुअलाइज करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे तो मैंने क्यूब क्या था कि मैंने तो अपना सॉफ्टवेयर यूज करके क्यूब बहुत अच्छे से बना दिया ना, नीट एंड क्लीन, एग्जाम में ऐसा क्यूब थोड़ी बना पाओगी तुम। सो तुम्हें तो तुम्हें क्या करना होगा, वॉट यू हैव टू डू, so you have to draw the cube like this, जैसा मैंने तुम्हारे को 11th क्लास में हर बार बोला था कि इमेजिन दैट यू आर इन द रूम एंड यू आर फेसिंग द वॉल, देन द फ्रंट वॉल इन द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर इज योर ओरिजिन, फिर तुम इसको एक्स एक्सिस मानोगी, इसको वाई एक्सिस मानोगी और इसको जेड एक्सिस मानोगी। ओके सो नाउ दिस इज क्लियर, अभी हम ये एक्स वाई प्लेन तो बहुत अच्छा है, एक्स वाई प्लेन तो बहुत अच्छा है, बट सपोज मेरे को एक्स जेड प्लेन करना होगा तो मैं अगर एक्स जेड प्लेन ऐसा करता हूँ देन मेरे वाई एक्सिस इज कमिंग आउटसाइड, ओके, एंड मेरे को वाई जेड प्लेन चाहिए, अगर मैं वाई जेड प्लेन ऐसा करता हूँ देन माई एक्स एक्सिस इज कमिंग आउटसाइड। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम्हारे को प्रैक्टिस करनी चाहिए, तुम एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन कैसे बनाओगी और उसके रिलेटिव तुम्हारे एक्स एक्सिस किस डायरेक्शन में जाएगी। एंड रिमेम्बर वाई से जेड हमेशा तुम्हारे को एंटी क्लॉकवाइज जाना है, जेड से एक्स भी एंटी क्लॉकवाइज जाना है, सो नेवर ड्रॉ लाइक दिस, दिस इज एक्स एंड दिस इज जेड, देन तुम जेड से एक्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही हो, दिस इज नॉट अलाउड, जेड से एक्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, सो यू कैन नॉट ड्रॉ लाइक दिस। अगर तुम्हारे को जेड ऊपर की तरफ बनाना है देन यू हैव टू ड्रॉ एक्स लाइक दिस सो दैट यू आर गोइंग फ्रॉम जेड टू एक्स इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन, और जब तुम जेड एक्स बना दोगी अगर ऐसा बनाओगी तो वाई का डायरेक्शन देखना पड़ेगा, एक्स से वाई भी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जाना है, और जब ऐसा बनाओगी जेड एक्स राइट, क्लियर है ये सर? हाँ सर, यस। ओके।
तो अगर ये क्यूब जो है ना, अगर तुम्हारे को क्यूब घुमाने आ गया तो तुम्हारा समस्या काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ये जो क्यूब है, अज्यूम करो तुम एक्स एक्सिस पे रोटेट कर रही हो, अभी क्या है जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, तुम ऐसा रोटेट करो कि जेड एक्सिस बाहर से नीचे की तरफ चली जाए, तो तुम्हें सीधा पता चलेगा वाई बाहर की तरफ आ रहा है, वाई बाहर की तरफ आ रहा है, और वाई बाहर की तरफ है। अब ये जो वाई बाहर की तरफ है और ये एग्जेड बना दिया अपने, ऐसा सपोज अब तुम इस एग्जेड को घुमाओ इसी प्लेन में ताकि जेड ऊपर चला जाए, इसी प्लेन में घुमाओ तो जेड तो वाई तो बाहर का बाहर ही रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई टू विजुअलाइज इट, क्योंकि विजुअलाइजेशन तो वो आंखों से ही होगा ना। तो व्हाट आई एम स्पीकिंग आई कैन ओनली स्पीक, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू योर 3D विजुअलाइजेशन। ओके, यस वी ऑल द क्लास हियर ओनली। मैं ये सारी रिकॉर्डिंग्स YouTube पे भी शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। सो व्हेन यू गेट लॉस्ट कि क्या बोला था मैंने, वीडियोस वापस से जा जाके रिवाइज कर सकती हो तुम आराम से लगे। सो यू हैव डन इनफ क्वेश्चंस फ्रॉम द शीट आल्सो, तो स्टार्ट इरोडो। इरोडो में जाओ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के सवाल है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वायर की वजह से, सर्कल की वजह से, सर्कुलर की वजह से। जो जो क्वेश्चंस फिगर वाले हैं इजी लगते हैं उन सबको पहले करती जाओ, जो जो डिफिकल्ट लगते हैं एक बार उनको छोड़ती जाओ, इजी इजी क्वेश्चंस को पहले कर लो। जब सारे इजी क्वेश्चंस निपट जाए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस तुमने छोड़ दिए उन पे वापस आओ, और अगर नहीं होते वापस से देन टेल मी के क्वेश्चन नहीं हुआ। क्लियर? यस सर। एंड